एमएस बिट्टा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ शब्द कहें प्लीज. शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी. मेरे साथ आए हुए पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अनिल शर्मा जी, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हिमाचल के प्रेसिडेंट हरीश जी शर्मा जी, और यहां पे बैठे हुए मेरी बहनों भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों बच्चों साथियों, कई जगह पे जाने का मौका मिलता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहीद परिवारों के लिए, स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में. मैंने जो आपके अंदर देशभक्ति देखी कुछ देर बैठ करके, जो मैंने देखा आपके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा, जब उन शहीदों को याद किया जा रहा था, जब अपने वो शहीद हो गए बेटे के ऊपर उनकी मां फूल चढ़ा रही थी, किसी की पत्नी अपने फूलों को चढ़ा रही थी, और जो आपके अंदर एक जोश देखा, वो जोश देख के लगा हमारा भारत कमजोर नहीं है, हमारी भारत मां बहुत मजबूत है. और खास तौर से ये हिमाचल की धरती, इनकी कुर्बानियां इनकी शहादतें सीमाओं की रक्षा करते हुए, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए बार बार कुर्बानी देना, चाहे वो खहत्तर का युद्ध हो, चाहे वो पैंसठ का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, चाहे पंजाब के अंदर आतंकवाद था जो क्षमाओं से लगता था, जिसके नाम के ऊपर पूरी दुनिया डरती थी, पर हमारे हिमाचल की पुलिस ने बहादुरी के साथ उस आतंकवाद को वहीं समाप्त किया, उस आतंकवाद को हिमाचल के अंदर पनपने नहीं दिया. मैं आपको यही कहूंगा, अपनी ये संस्कृति, अपना ये हिमाचल का इतिहास, हमारा भारत माता की जो संस्कृति है, आपके अंदर जो एक देशभक्ति का जज्बा है, जो हम लेकर के पूरे देश को बताते हैं कि हिमाचल के अंदर देशभक्ति का कितना बड़ा जोश है, इसको कभी कमजोर मत होने देना. इस संस्कृति को हमेशा जिंदा रखना. जो भारत अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी देवी देवताओं की अगर दिल से पूजा करता है, अपने भारत माता की पूजा करता है, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए वचनबद्ध होता है, वो देश कभी कमजोर नहीं होता. और वो हमारी जड़, हमारी नींव, हमारा सब कुछ वो हिमाचल के अंदर आता है. हिमाचल के लोग कितने बोले होते हैं, कितने सीधे होते हैं, कितने भावुक होते हैं. अगर देश के लिए कुछ करना पड़े तो हिमाचल के लोग, हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक ऐसी स्टेट है, हर घर से हर बहन हर भाई हर बूढ़ा हर जवान, भारत माता के ऊपर कभी भी आफत आए उसका कोशिश होती है कि मैं आकर के फौज के साथ अपनी भारत माता के लिए अपना हाथ बटाऊं. ये आपकी एक संस्कृति है. मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमने बहुत बम खाए शरीरों के ऊपर जब पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा जा रहा था, हजारों बच्चों को यतीम किया जा रहा था, जब शाम को 5 बजे के बाद किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा घर से निकला है, मेरा पति घर से निकला है, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, आतंकवादियों का गोलियों का निशाना बन जाएगी. हमने उस वक्त वो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की उनकी सोच पे चलते हुए हमने वही नारा देते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बहादुर का दिल है. और मौत का कफन बांध के निकलते थे जब वो आतंकवादी खालिस्तानी कहते थे
इस पंजाब के अंदर कोई हिंदू नहीं रहेगा, इस पंजाब के अंदर कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, इस पंजाब के अंदर कोई सेकुलर मुसलमान ईसाई नहीं रहेगा। तो हमने वो भारत माता की शपथ लेते हुए मौत का कफन बांध के ये कहा था, सबसे पहली अगर गोली लगेगी, बम लगेगी, वो बिट्टे का सीना पार करके जाएगी, पर किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के ऊपर गोलियां नहीं चलेगी। आतंकवादी गोलियां चलाते थे, बड़े बड़े बम चलाते थे, पैर उतर जाते थे, गोलियां निकल जाती थी, पर भारत माता की इतनी शक्ति, इतना आशीर्वाद था, हमें पैर उतरे हुए खून की बाल्टियां बह रही है, हमें कोई दर्द नहीं आज तक हुआ। क्यों? वो भारत माता की एक लड़ाई थी, उसकी आजादी की रक्षा की लड़ाई थी, कभी पीड़ा नहीं हुई। अगर हम सब संकल्प कर लें कि हमारा सबसे पहला मकसद इस भारत माता की आजादी की रक्षा है, राजनीति हमारा मकसद नहीं, एमएलए एमपी मंत्री बनना हमारा मकसद नहीं, हम भी मंत्री रहे, हम भी एमएलए रहे, हम चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, पर हमारा मकसद था, जब आतंकवादियों ने कहा अगर एमएस बिट्टा इलेक्शन लड़ेगा लोकतंत्र आएगा, हम उससे पहले बिट्टा को बम्बों से उड़ा देंगे और जो वोट डालने जाएगा उनके हाथों को काट देंगे, हमने उनके चैलेंज को कबूल करके कहा था, हम चुनाव मंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे, हम पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देंगे, हम पंजाब को भारत माता से नहीं टूटने देंगे, हम आपके चैलेंज का जवाब देते हैं, हमने भारत माते पंजाब को टूटने नहीं दिया। लोकतंत्र लाए, बम्बों गोलियों का मुकाबला किया, बहनों के सुहागों की रक्षा की, बच्चों को यतीम होने से बचाया और राजनीति को अलविदा कह करके हम भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, अपने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, अपने वो जो शहीद हो गए जवान उन बहनों की रक्षा के लिए अपने मिशन में निकल पड़े। हमने यह बता दिया राजनीति हमारा मकसद नहीं, हमारा सबसे पहला मकसद, आखिरी मकसद इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये हमारा मकसद। आखिर में यही कहना चाहूंगा, आज के दिन के ऊपर वादा करके जाऊंगा, बोनस की जिंदगी है, कई बार मरे कई बार जन्म लिए, और भगवान से आगे हमेशा हनुमान हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूं, आप सबका जोश देख करके, आपके अंदर देशभक्ति देख करके, हे भगवान, हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज, गुरु महाराज, जब भी मौत देना, बम्बों गोलियों से मौत देना, हम शहीद कहलाए, हमारी मौत ऐसे मत देना, ये बम्बों से बची हुई जिंदगी अपने भारत माता की आजादी की सीमाओं की रक्षा के लिए काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे वादा करता हुआ यही कहना चाहूंगा, हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।